हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉफ्रिक इंडिया। दोस्तों, टोयोटा कंपनी ने इंडियन मार्केट में मैन्युफैक्चरिंग को बंद कर दिया है। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बंद करने का ये मतलब नहीं है कि वो अभी से अपनी कौन से भी कार इंडिया में लॉन्च नहीं करेंगे। टोयोटा कंपनी जल्दी अपनी अपकमिंग RAV4 को लॉन्च करने वाली है, जिसे हाल ही में टेस्टिंग के दौरान देखा गया है, और इस कार को इंडिया में इम्पोर्ट किया जाएगा। इंडिया में जो टोयोटा कार्स का लाइनअप है वो इतना अच्छा नहीं है एज़ कम्पेयर टू इंटरनेशनल मार्केट, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में टोयोटा की बहुत सारी ज़बरदस्त कार्स है और उन कार्स का बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। टोयोटा हैरियर को पहली बार 1990 दशक के एंड में जापान में लॉन्च किया गया था। अब कंपनी इस कार का फोर्थ जनरेशन मॉडल ला रही है। ये इंडियन मार्केट में सेल होने वाली टाटा हैरियर से बिल्कुल अलग SUV है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी बेहतरीन SUV के फीचर्स, प्राइसिंग और इंडियन लॉन्च के बारे में बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टोयोटा ने न्यू जनरेशन हैरियर SUV से पर्दा उठा दिया है। इसे इंटरनेशनल मार्केट में पिछले साल के एंड में लॉन्च कर दिया था। 2020 टोयोटा हैरियर इस SUV का फोर्थ जनरेशन मॉडल है। पुराने मॉडल के मुकाबले न्यू टोयोटा हैरियर की डिज़ाइन और भी ज़्यादा स्पोर्टी है। इस कार की प्रोफाइल कूप कार जैसी है। इस कार में मिलने वाला इसका लंबा बॉनेट इसके स्लिक प्रोफाइल को और भी बढ़ाता है। न्यू टोयोटा हैरियर के फ्रंट में बड़ा सेंट्रल एयर डैम दिया गया है। इसके ऊपर और नीचे क्रोम का यूज़ किया है। कार के फ्रंट में स्लिक LED हेडलाइट और स्लिक ग्रिल दी गई है। पीछे की तरफ देखें तो एक लाइट बार के साथ न्यू स्लिम LED टेल लैम्प और टेल गेट के ऊपर स्पॉइलर मिलता है। अगर हम न्यू जनरेशन टोयोटा हैरियर के इंटीरियर को देखें तो हैरियर का कैबिन काफ़ी प्रीमियम है और SUV में न्यू डैशबोर्ड के साथ लेदर का भी काफ़ी यूज़ किया गया है। डैशबोर्ड पे हमें 12.3 इंच का बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। एयरकॉन सिस्टम और टच स्क्रीन के लिए टच सेंसिटिविटी कंट्रोल नीचे है और इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन को इंफोटेनमेंट सिस्टम के नीचे रखा है। हैरियर में बड़ी MID के साथ ट्विन डायल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। न्यू टोयोटा हैरियर शानदार फीचर्स के साथ आती है। कार में JBL ऑडियो सिस्टम, इलेक्ट्रोक्रोमिक पैनोरमिक सनरूफ, सेफ्टी सेंस, कोलिजन कंट्रोल और डिजिटल रियर व्यू मिरर जैसे फीचर्स शामिल है। अगर हम पावर और परफॉर्मेंस की बात करें तो न्यू जनरेशन टोयोटा हैरियर पेट्रोल और हाइब्रिड पेट्रोल इंजन ऑप्शन के साथ इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च की गई है। स्टैंडर्ड पेट्रोल इंजन 2.0 लीटर का है, जो 171 HP का पावर और 207 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। सेकेंड ऑप्शन में ये कार 2.5 लीटर हाइब्रिड पेट्रोल ऑप्शन के साथ आती है। टू व्हील ड्राइव मोड में इस इंजन का पावर 218 HP है और फोर व्हील ड्राइव मोड में इसका पावर 222 HP है। ये दोनों भी इंजन CVT गियरबॉक्स से लेस है। अगर हम इस कार की प्राइसिंग की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में इस कार की प्राइस $28,000 है, मतलब इंडियन रुपीज़ में 20 लाख। तो इस कार के इंडिया में भी प्राइस 20 लाख के करीब ही होगी। अगर हम इस कार की इंडियन लॉन्च डेट की बात करें तो इंडियन मार्केट में हैरियर SUV को अभी तक लॉन्च करने का टोयोटा का कोई भी इरादा नहीं है, क्योंकि COVID-19 की सेकेंड वेव की वजह से पूरा ऑटोमोबाइल मार्केट ठप पड़ा हुआ है, और इस सिचुएशन में ऐसी बेहतरीन कार लॉन्च करना मतलब बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। तो अभी शायद से इस कार को पैंडेमिक की सिचुएशन सुधारने के बाद ही लॉन्च किया जाएगा। अगर इस कार को इंडिया में लॉन्च किया जाता है तो इसकी सीधी टक्कर Hyundai Tucson, जीप कंपास और सिट्रॉन C5 एयरक्रॉस जैसे SUV से होगा। और अगर टोयोटा को इस कार को इंडिया में लॉन्च करना होगा तो इस कार का नाम भी बदलना होगा, क्योंकि हैरियर नाम पहले ही टाटा मोटर्स के द्वारा यूज़ किया जा चुका है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं टोयोटा हैरियर के बारे में? क्या ये SUV टोयोटा की बिग हिट्स की जैसे अपना नाम इंडियन मार्केट में बना पाएगी? ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।